डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है लेमार्किज्म, जिसको हिंदी में हम लेमार्कवाद के नाम से जानते हैं। इससे पहले हमने तीन वीडियो जो हमने दिखाए थे, उसमें हमने एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैव विकास के प्रमाणों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। इसके अलावा विकास से संबंधित जो दो थ्योरी जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थ्योरी हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लेमार्कवाद की, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे डार्विनवाद की। तो आइए हम लोग लेमार्किज्म या लेमार्कवाद के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या जो है थ्योरी थी। लेमार्कवाद का जो सिद्धांत है, उसको एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैपिस्ट डी लेमार्क के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और यह जो है एक पहला सिद्धांत था विकास के बारे में कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है इस धरती पर हुआ है। लेमार्क की एक बहुत ही फेमस बुक थी, जिसको फिलोसफी जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। यह किताब उन्होंने 1809 में लिखी थी, और 1809 में यह प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने अपना सिद्धांत, जिसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी की और बताया था इसमें। और उनका ये जो सिद्धांत है, वो कई अवधारणाओं पर आधारित था, और ये अवधारणाएं जो है निम्नलिखित थी। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीवों पर जो है वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जीवों की संरचना, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी कार्यकी, उनके व्यवहार पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। बदलते पर्यावरण के कारण जीव जिस पर्यावरण में रहता है, अगर उसमें चेंजेस आते हैं, तो उस पर्यावरण में आ रहे चेंजेस के कारण जीवों में या जंतुओं में नई इच्छाएं व आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, उनके अंदर नई डिजायर्स और नई जो है नीड जो है उत्पन्न होती है, जिससे वो बदलते पर्यावरण में अपने आप को जो है अनुकूलित कर पाएं। इस बदलती इच्छाओं व आवश्यकताओं के उत्पन्न होने के कारण जीवधारी अपने अंदर कुछ अंगों का उपयोग ज्यादा अथवा कुछ अंगों का उपयोग कम करता है। जिन अंगों का उपयोग अधिक करता है, वो बहुत अधिक विकसित हो जाते हैं, तथा जिनका उपयोग नहीं करता है, उनका वो धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाते हैं या उनका ह्रास हो जाता है। इस थ्योरी को लेमार्क ने अंगों का प्रयोग तथा अनुप्रयोग के नाम से भी बताया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उनकी थ्योरी का जो अगला पॉइंट था वो था उपार्जित लक्षणों की वंशागति, कि वातावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग करने के कारण जंतु के शरीर में जो चेंजेस आते हैं, उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। उपार्जित लक्षण मीन्स ऐसे लक्षण जो जन्म के बाद विकसित होते हैं, उन्हें हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। जो लास्ट पॉइंट था लेमार्क का, वो था नवीन जाति का विकास, जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं। देखिए, इन लेमार्क का जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था लेमार्कवाद का, वो था जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं। लेमार्क ने बताया कि जीवधारी जिन लक्षणों को अपने जन्म के बाद अर्जित करता है, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। केवल वही लक्षण जो है वंशागत होते हैं जो उनके जर्म प्लाज में होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रजनन के द्वारा चले जाते हैं। ऐसा लगातार होने से कुछ पीढ़ियों के पश्चात उनकी शारीरिक रचना बदल जाती है, तथा एक नई प्रजाति का विकास होता है। तो लेमार्क ने अपनी थ्योरी में बताया कि जीवधारी अपने जन्म के बाद जो करेक्टर्स डेवलप करते हैं, वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। इसी को उन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा, अर्थात इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है।
अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए लेमार्क ने बहुत सारी जो है थ्योरी जो है प्रस्तुत की, बहुत सारे अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए लेमार्क ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है दिए, जिसमें जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था लेमार्क का वो था जिराफ की जो है गर्दन का लंबा हो जाना। लेमार्क के अनुसार अफ्रीका के वनों में पाया जाने वाला जिराफ लाखों वर्षों पूर्व एक साधारण हिरण के समान जंतु था। उस समय वहाँ घास का हरा भरा मैदान था। बाद में मरुस्थलीय वातावरण के बदलते प्रभाव एवं अन्य वातावरणीय कारणों से वहाँ की घास जो है कम होती गई, जिससे जिराफ को पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा। भोजन के लिए जिराफ को अगली टांगों को अधिक ऊंचा रखते हुए गर्दन को निरंतर ऊपर खींचना पड़ता था, जिससे क्या हुआ, जिराफ ने पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए अगली टांगें और गर्दन को ऊपर खींचा, जिससे उनकी लंबाई बढ़ती गई और पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत तो होकर वर्तमान जाति का स्थायी लक्षण बन गई। ये लेकिन संभव नहीं था। देखिए, इसमें हम देख सकते हैं ये एग्जाम्पल कि लेमार्क के अनुसार जो जिराफ के जो पूर्वज थे लाखों वर्ष पूर्व, वो हिरण के जैसे थे, केवल वो पृथ्वी पर उपस्थित सूखी घास को खाते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है ये घास जो कम होती गई और जिराफ को भोजन नहीं मिला, तो उन्होंने फिर जो ऊंचे पेड़ की जो पत्तियां थी उनको खाना शुरू किया, और इस प्रोसेस में उन्होंने अगली टांगों और गर्दन को उठाते थे, जिससे वो पेड़ों की पत्तियों तक पहुंच जाए, और धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी चलता गया, और नेक्स्ट जनरेशन में जो जिराफ थे उन्होंने भी यही एफर्ट किया, जिससे उनकी अगली टांगें और गर्दन जो है लंबी हो गई। तो लेकिन ये बात जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं बैठती है, क्योंकि और जानवरों के लिए भी यही सिचुएशन होगी जो एनिमल्स थे उस समय, और उनके लिए भी जो है घास जो पृथ्वी की कम हुई होगी, तो उन्होंने ऐसा प्रोसेस या ऐसा एफर्ट क्यों नहीं किया, तो उनकी गर्दन वगैरह लंबी या टांगे लंबी क्यों नहीं हुई, केवल जिराफ के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए, जिराफ के बाद दूसरा जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया था अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, सर्पों में पैरों का ना होना। लेमार्क के अनुसार प्रारंभिक काल में सर्पों के पैर होते थे, किंतु भूमिगत जीवन के लिए एवं बिलों में घुसने के लिए पैर जो है बाधक होते थे, अतः उन्होंने पैरों का प्रयोग या उपयोग करना बंद कर दिया, अतः धीरे धीरे ये पैर जो है छोटे होते गए और अंत में जो है विलुप्त हो गए। जलीय पक्षियों में जल युक्त पाद, जैसे बत्तखों तथा जो डक्स होती हैं तथा दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स या पक्षी होते हैं, वो उन्हें पानी में तैरने के लिए इनके पादों की उंगलियों के बीच की त्वचा तनी रहती थी, जिसके कारण जाल युक्त पादों का निर्माण हुआ। देखिए, ये जो है एक्वेटिक बर्ड के जो है पैर हैं, इनके बीच में कैसे जो है जाल विकसित हो गए। इसके अलावा देखिए, ना उड़ने वाले पक्षी, ये भी एक लेमार्क ने बताया कि कुछ फ्लाइटलेस बर्ड हैं, जैसे ऑस्ट्रिच, कीवी, रिया, एमू आदि ना उड़ने वाले पक्षी हैं, जिनको एक सिंगल ऑर्डर रेटाइटी के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनके पूर्वज के जो है पंख उपस्थित रहे होंगे। लेमार्क ये मानते थे कि इन पक्षियों के जो है जो पूर्वज थे, जो इनके एंसेस्टर थे, उनके जो है पंख उपस्थित थे। लेमार्क ने बताया कि इन पक्षियों के पूर्वजों को भूमि पर ही पर्याप्त भोजन प्राप्त हो जाता था। लेमार्क ने इन पक्षियों के लिए विशेष रूप से बताया कि इन पक्षियों के पास, ये जो फ्लाइटलेस बर्ड हैं, इनके पास जो है पर्याप्त भोजन उपस्थित था पृथ्वी पर ही, और इनके प्रेडेटर्स एनिमल्स भी नहीं थे, जिसके कारण इन्हें उड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और धीरे धीरे इनके जो पंख हैं वो धीरे धीरे अपसृति हो गए। लेकिन केवल इन्हीं पक्षियों को भोजन की पर्याप्त व्यवस्था थी, बाकी पक्षियों के लिए भोजन उपलब्ध नहीं था। तो बाकी पक्षियों के लिए भी भोजन उपलब्ध था, तो उनके जो है जो फेदर्स हैं, विंग्स हैं, वो वेस्टिजियल क्यों नहीं हुए। तो ये थ्योरी भी जो है, इनका जो एग्जाम्पल है वो जो है गलत साबित हुआ। कर्ण पल्लव की पेशियां, खरगोश, गाय, हाथी, कुत्ते आदि में कर्ण पल्लव पेशियां अधिक विकसित होती हैं, क्योंकि ये इनका अधिक उपयोग करते हैं, किंतु मनुष्य में ये रिड्यूस हो गई है, क्योंकि इनका उपयोग नहीं किया जाता है।
ये एग्जाम्पल हमने आप लोग को बता दिया है कि सर्पों के लेमार्क के अनुसार जो स्नेक्स थे उनके पहले पैर हुआ करते थे, लेकिन पैर होने की वजह से उनको जमीन पर रेंगने में या अपने शिकार को पकड़ने में काफी परेशानियां हुआ करती थी, जिससे उन्होंने अपने पैरों का यूज करना बंद कर दिया और धीरे धीरे ये पैर जो है डिसअपीयर हो गए, वेस्टिजियल हो गए। ये देखिए फ्लाइटलेस बर्ड्स है, ये ऑस्ट्रिच है। लेमार्क ने कहा था कि इन पक्षियों को जो है पृथ्वी पर ही पर्याप्त भोजन मिल जाया करता था और पृथ्वी पर इनके प्रेडेटर्स मौजूद नहीं थे, तो इन्हें उड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। उड़ने की आवश्यकता इनको नहीं हुई तो इनके पंख जो है धीरे धीरे जो है वेस्टिजियल हो गए, अवशेषी हो गए। देखिए लेमार्कवाद की आलोचना करने वालों में सबसे ज्यादा जो इनको जो क्रिटिसाइज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनमें बुविएर तथा वाइसमैन का नाम सबसे पहले आता है। वाइसमैन जो थे एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने 22 पीढ़ियों तक नवजात चूहों की पूंछ काटी, लेकिन फिर भी नई संतानों में पूंछ समाप्त नहीं हुई तथा ना ही इसकी लंबाई कम हुई। लेमार्क के अनुसार जीवधारी जिस अंग का उपयोग नहीं करता है वो धीरे धीरे जो है वेस्टिजियल हो जाता है या वो खत्म हो जाता है, लेकिन 22 मैन ने लगातार 22 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में उनको बिना पूंछ वाले जो चूहे थे वो नहीं मिले। तो लेमार्कवाद को जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया और कहा कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है, केवल वही लक्षण वंशागत होते हैं जो उसके जर्म प्लाज्म में उपस्थित होते हैं। देखिए ये एक्सपेरिमेंट था बैसमान का, इन्होंने जो है कई 22 पीढ़ियों तक लगातार जो है चूहों की पूंछ काटी और उनके बीच उन्होंने फिर मेटिंग कराई, तो लेकिन मेटिंग कराने के बाद जो बच्चे पैदा होते थे उनमें पूंछ जो है अपने पूंछ उनमें होती थी, जबकि लेमार्क के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेमार्क के अनुसार इनकी संतानों में भी पूंछ नहीं होनी चाहिए थी। तो वाइसमैन ने ये लेमार्क की जो थ्योरी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर से उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उसको जो है पूरी तरीके से जो है रिजेक्ट कर दिया था। देखिए इसकी क्रिटिसिज्म में दूसरा जो एक एग्जाम्पल है उसमें देखिए हम लोग उन व्यक्तियों में जो निरंतर पढ़ने लिखने में अपनी आंखों का उपयोग करते हैं आंखें जल्दी कमजोर हो जाती हैं, लेकिन लेमार्क के अनुसार क्या होता है, व्यक्ति जिस अंग का ज्यादा उपयोग करता है वो ज्यादा विकसित हो जाना चाहिए, ज्यादा बड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं उनके जो आई साइट वीक हो जाती है, उनके आपने देखा होगा स्पेक्टिकल्स लग जाते हैं। सदियों से भारतीय नारियों में नाक व कान छिदवाने की प्रथा चली आ रही है, लेकिन यह लक्षण वंशागत नहीं हुआ। एक और क्रिटिसिज्म में हम देखें तो देखिए जो इंडियन लेडीज वगैरह हैं उनमें नाक और कान को पियर्स करवाने की एक ट्रेडिशन चली आ रही है, लेकिन कभी आपने देखा है कि जो बच्चे क्या बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनमें नाक कान छिदे हों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एक उपार्जित लक्षण है और उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है। बहुत इंटेलिजेंट जो पेरेंट्स होते हैं तो उनके जो चिल्ड्रन है या चाइल्ड हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट ही होंगे, या बहुत जो कम पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे जो बेवकूफ पैदा होंगे, ऐसा नहीं होता है। देखिए और इसके क्रिटिसिज्म की बात करें तो देखिए लोहार व पहलवान द्वारा जीवन काल में अर्जित की गई मजबूत मांसपेशियां उनके पुत्रों और पुत्रियों में वंशागत नहीं होती हैं। इसके अलावा चाइनीज वीमेन अपने पैरों को छोटा रखने के लिए आयरन शूज पहनती थी, लेकिन उनके जन्म के समय उनकी संतानों में पैरों का आकार सामान्य ही होता है, ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने आयरन शूज पहने उनका पैर छोटा हो गया तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें जो है छोटे पैर वाले बच्चे पैदा हों, ऐसा नहीं होता है। हमारा हृदय जो है सारी उम्र लगातार धड़कता रहता है लेकिन उसका आकार नहीं बढ़ता है, लेकिन लेमार्क के अनुसार क्या होना चाहिए था कि जिस अंग का उपयोग हम ज्यादा करते हैं वो उतना ही ज्यादा विकसित हो जाता है, लेकिन हार्ट जो है हमारा लगातार जो है वर्क करता है लेकिन फिर भी उसका साइज जो है कॉन्स्टेंट रहता है। हमारी आंखें हमेशा देखने का कार्य करती हैं लेकिन आंखों का आकार सामान्य नहीं रहता है। हमारी आंखें जो हैं वो लगातार हम लोग पढ़ते हैं
चीजों को देखते हैं, लेकिन कभी भी हमारी आंखों का साइज जो है नहीं बढ़ता है, बल्कि हमारी आंखों की जो शक्ति है वो भी कम होती जाती है। तो ये सब क्रिटिसिज्म है लेमार्कवाद के, और ये सिद्ध करते हैं कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है, केवल वही लक्षण वंशागत होते हैं जो कि जीव के जर्म प्लाज्म में होते हैं। इसके अलावा देखिए लेमार्कवाद में इसमें समनर और मैकडूगल कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने लेमार्कवाद को कुछ सपोर्ट किया था और इसको हम न्यू लेमार्किज्म के नाम से जानते हैं। इन्होंने इसमें कुछ परिवर्तन करके इस लेमार्कवाद को संशोधित किया और जिसे फिर नव लेमार्कवाद का नाम से जानने लगे। नव लेमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग का प्रभाव वंशागत तो नहीं होता है और ना ही उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, किंतु बाह्य वातावरण का प्रभाव हार्मोन्स पर पड़ता है एवं ये हार्मोन्स जनन कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, जिसके फलस्वरूप लक्षण वंशागत होते हैं। साथ ही वातावरण में परिवर्तनों के कारण कुछ ऐसे भौतिक व रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं जो जनन द्रव्य को प्रभावित करते हैं। ऐसे परिवर्तन निश्चित रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। अर्थात ऐसे लक्षण जो कि हमारे जर्म प्लाज्म को प्रभावित करें, तो ऐसे लक्षण जो जर्म जर्म प्लाज को प्रभावित करते हैं वही लक्षण जो है वंशागत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और इसी को नव लेमार्कवाद कहा गया। तो निश्चित ही आपको ये वीडियो जो है हमारा समझ में आया होगा। इसमें हमने लेमार्कवाद के बारे में बताया, कैसे लेमार्कवाद की आलोचना हुई और कैसे फिर नव लेमार्कवाद की थ्योरी दी गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है और कई बार इससे जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसी तरीके से आप हमारे वीडियोज को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको जरूर शेयर करें, जिससे मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो इससे लाभान्वित हो सकें।